हेलो फ्रेंड्स, मैं तमन्ना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ ओके क्रेडिट में। और आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर या लैपटॉप के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और रिपेयरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि आज के दौर की अगर मैं बात करूँ तो हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा विकसित हो रही है। और ख़ास तौर पर अगर कंप्यूटर लैपटॉप की बात करूँ तो कोरोना के दौरान जितना भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है या फिर बच्चों का ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने कंप्यूटर और लैपटॉप का सहारा लिया है। तो आज के दौर कंप्यूटर और लैपटॉप कितना जरूरी बन गया है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें लगता है कि अब कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदना तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, जॉब्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंता बनी हुई है। तो ऐसे में रिपेयर कहां से कराया जाए, कोई अगर पार्ट लगना है तो वो पार्ट कहाँ से लाया जाए, उसकी जानकारी किस व्यक्ति को होगी। तो ऐसे में ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग का बिज़नेस कितना अच्छा चल सकता है। इस दौरान ही नहीं बल्कि आप इस बिज़नेस को आगे तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी अभी और आगे निकलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग बिज़नेस की कैसे करें शुरुआत? किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास उस बिजनेस का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आपको कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग का कोई भी ज्ञान नहीं है तो आप किसी मैकेनिक को सैलरी पर रख सकते हैं और बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। याद रहे, आप दूसरों को नौकरी पर रखकर काम तो आसानी से करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप भी इसका थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य लें, जिससे जरूरत पड़ने पर किसी पर भी पूर्ण रूप से निर्भर ना हो। कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग बिजनेस शुरू करने के पहले आप इन चरणों पर फोकस करें। कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग का कौशल हासिल करें। कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग का काम सीखें। किसी की शॉप या फिर कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करके आप इसकी बारीकियों को सीखें, जिससे आपको जानकारी हो कि कब कैसे क्या चीज़ हो सकती है, कितने समय में सही हो सकती है, क्या क्या समस्याएँ आ सकती हैं आदि। वर्तमान में भारत में उद्यमिता एवं कौशल को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसीज राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा भी इस तरह का कोर्स चलाया जा रहा है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के द्वारा इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। यदि आप अपनी दुकान, बिजनेस या जॉब के लिए इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। NSIC ने लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स के लिए 8,000 रुपये की फीस निर्धारित की है। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप आसानी से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस तरह के कोर्सेज की शुरुआत NSIC सेंटर्स में हर महीने होती है, तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब और कैसे इस कोर्स को ज्वाइन करना है। इस कोर्स को करने की अवधि 120 घंटे की है। आप चाहें तो किसी कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग की दुकान से भी इस बिजनेस की बारीकियों को सीख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग की शॉप पर काम करना होगा। हालांकि बिना काम आए ऐसे कोई भी नहीं रखेगा अपनी दुकान पर, लेकिन आप चाहें तो बिना सैलरी के इंटर्नशिप कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आप कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग करने के साथ साथ लोगों को कैसे डील करना है ये भी सीख जाएंगे। इसके अलावा आप किसी कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग सेंटर में इस कोर्स को कर सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं, जिससे इस व्यवसाय की व्यवहारिक जानकारियां हासिल कर सकें। तो यदि आप कम फीस में इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग का सेंटर खोल सकते हैं। लोकेशन का चयन करें। किसी भी दुकान की सफलता लोकेशन पर भी निर्भर होती है। यदि आप कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी जगह का चयन करना होगा जहां छोटे छोटे व्यापार फैले हों, जहां कंप्यूटर और लैपटॉप की संख्या अधिक हो, यानी कि आपको एक मेन मार्केट का चुनाव करना होगा जहां से आपकी दुकान अलग से दिखाई दे सके, पॉपुलर हो सके, क्योंकि इस बिजनेस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना एक चैलेंज भरा टास्क है। यदि आप अपनी दुकान ऐसी जगह खोलते हैं जहां कंप्यूटर स्टोर्स हों, लोगों का आना जाना अधिक हो, तो आप लोगों तक आसानी से अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 100 से 150 स्क्वायर फीट तक की जगह की आवश्यकता होती है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। यदि आप बेहद छोटे स्तर पर इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो आपको किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यदि आप सालाना टर्नओवर में दी गई छूट से अधिक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको GST पंजीकरण कराने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप छोटी बड़ी कंपनीज एवं कारोबारियों को भी अपना सर्विस का लाभ दें तो आपको अपने बिजनेस को प्रोपराइटरशिप ओनरशिप के अंतर्गत रजिस्टर कराना होगा, क्योंकि अधिकतर बिजनेस इकाइयां किसी पंजीकृत इकाई के साथ काम करना पसंद करती हैं।
इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने बिजनेस का कोई नाम सोचना होगा, एक ऐसा नाम जो किसी और अथॉरिटी द्वारा ना लिया गया हो। कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग उपकरण। कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप में लगने वाले कलपुर्जे एवं टूल्स आपको खरीदने होंगे। यदि आप पहले ही कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स कर चुके हैं या फिर किसी कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग की शॉप पर काम कर चुके हैं तो आपको इन टूल्स के बारे में जानकारी होगी। यदि नहीं तो आप इनकी जानकारी हासिल करें कि कौन से टूल्स आवश्यक होते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप में यूज होने वाले आवश्यक टूल्स: ESD स्टॉक, अन्य ESD प्रोटेक्शन डिवाइस, सभी प्रकार के स्क्रू ड्राइवर, फ्लैशलाइट आदि का होना अनिवार्य है। कंप्यूटर हार्डवेयर रिप्लेसमेंट एवं रिपेयरिंग टूल्स: एंटीस्टैटिक मैट, प्रिसिशन स्क्रू ड्राइवर सेट, कंप्रेस्ड एयर, मल्टीमीटर, पावर केबल, नेटवर्क केबल, कीबोर्ड, माउस, एम्प्टी एंटीस्टैटिक बैग्स, लिंट फ्री क्लॉथ, लो वोल्टेज सिलेंड्रिकल आयरन, विक, रील, वायर कटर, स्टिपर, पोस्ट कार्ड, टेम्परेचर गन, हीट गन आदि की आवश्यकता पड़ेगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े टूल्स: USB ड्राइव, UBCD एवं डेटा स्टोर करने के लिए खाली CDs आदि की भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपके पास ये उपकरण का होना अनिवार्य है जिससे किसी का डेटा आपसे मिस ना हो पाए। अन्य सहायक कंप्यूटर टूल्स: AA और AAA बैटरीज, क्रिम्पिंग टूल्स आदि। कंप्यूटर क्लीनिंग टूल्स: क्लॉथ, वाटर या रबिंग एल्कोहल, पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर, कॉटन स्वैब्स एवं फोम स्वैब्स आदि की भी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ हमने आपको इंटरनल एवं एक्सटर्नल दोनों ही कंपार्टमेंट के टूल्स के बारे में बताया है। अतः आपके पास जितने अधिक उपकरण होंगे, ग्राहक को उनके कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग सेवा देने में उतना ही कम समय लगेगा एवं ग्राहकों को ज्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। याद रखें, इनमें से कुछ उपकरण बहुत महंगे होंगे। अगर आप किसी दूसरे रिपेयरिंग वाले से संपर्क करेंगे तो इन उपकरणों को खरीदते हैं तो शायद कुछ लागत कम आए। आप चाहें तो होलसेल मार्केट से भी इन उपकरणों को खरीद सकते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग बिजनेस में कितना निवेश होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग टूल्स को खरीदने में ही आपको अच्छा खासा निवेश करना होगा, साथ ही स्टोर खोलने के लिए भी आपको पूंजी लगानी होगी। तो यदि हम केवल स्टोर की बात करें तब भी लोकेशन के हिसाब से आपको इसमें अच्छी खासी लागत लगानी पड़ सकती है। तो इस बिजनेस को आप 80,000 से 15 लाख तक में शुरू कर सकते हैं। आपको अपने बजट के हिसाब से अपने बिजनेस में खर्च तय करने होंगे कि पहले किन चीजों की आवश्यकता है। एक बार आपका बिजनेस सेट हो जाए तब आप अपने सर्विस की गुणवत्ता को देखते हुए अपने ग्राहकों से चार्ज कर सकते हैं। याद रखें कि इस बिजनेस में ग्राहक ही सर्वोपरि है। जितने अधिक ग्राहक जुड़ेंगे आपका बिजनेस उतना ही सफल होगा। कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास इस बिजनेस को करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है तो आप भारत सरकार के MSME के तहत लोन उठा सकते हैं। ये लोन आप 59 मिनट्स में भी ले सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ शर्तों को मानना होगा और दस्तावेज को इकट्ठा करना होगा। तय करें आप ग्राहक को कौन कौन सी सेवाएं देंगे, साथ ही जाने बिजनेस को चलाने के खास टिप्स। कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयर। कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयरिंग का काम आप ऑफलाइन और ऑनलाइन चला सकते हैं। यदि आप अपने घर से इस बिजनेस को चलाते हैं तो भी, या फिर दुकान लेकर इस बिजनेस को चलाते हैं तो भी अपने साथ हमेशा पोर्टेबल टूल्स रखने होंगे। सॉफ्टवेयर सपोर्ट। हार्डवेयर प्रदान करने के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। सॉफ्टवेयर सेवाओं में सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटिबिलिटी आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। नॉलेज का महत्व। यदि आप कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि में विशेषज्ञ हैं तो आपको अपने बिजनेस में अधिक लाभ होगा। आप लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। यदि आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में भी अच्छा ज्ञान है तो इसका प्रशिक्षण देते हुए इसके लिए आप अधिक चार्ज कर सकते हैं। नेटवर्किंग। छोटे व्यवसाय या बड़े कॉरपोरेशन दोनों के पास एफिशिएंसी और जानकारी शेयर करने के लिए अपना खुद का लोकल एरिया नेटवर्क है जो वायरलेस के केबल के माध्यम से हो सकता है। आप ये सेवा भी प्रदान कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपग्रेड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमेशा अपडेट किया जाता है। सॉफ्टवेयर निर्माता नियमित आधार पर नए अपडेट के साथ आते रहते हैं। सॉफ्टवेयर अपग्रेड की भी सेवा आप अपने ग्राहकों को प्रदान कर सकते हैं। बस आपके बिजनेस को आपकी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ लेकर चलना है। एंटीवायरस। प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगकर्ता वायरस के हमले से डरता है और उससे बचाने के लिए उन्हें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर में डालने की आवश्यकता होती है। तो आप अपने ग्राहकों को उनके सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल एवं अपडेट दोनों के साथ ही सुविधा प्रदान कर सकते हैं। बैकअप्स। ग्राहकों के कंप्यूटर में भले ही एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया गया हो लेकिन डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उसका बैकअप होना आवश्यक है। आप अपने ग्राहकों को उनके कंप्यूटर में बैकअप सेवा भी प्रदान कर सकते हैं। आप अपने ग्राहकों से मार्केट में चल रहे चार्ज से कम चार्ज वसूलें।
कोशिश करें कि आप जो भी सर्विस दे रहे हैं वो ग्राहकों को पूरी तरह से संतुष्ट करें। इसके लिए आपको अपने काम का ज्ञान होना और ग्राहकों की बात को समझना आवश्यक है। अपनी शॉप की ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग करें। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपना एक खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसे तमाम वीडियोस मैं आपके सामने लेते आऊंगी और हमारी टीम की पूरी कोशिश रहती है कि हर बारीकी को समझाया जाए, बिजनेस के हर पहलू से आपको अवगत कराया जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर हमारे पार्ट से कुछ मिस हो जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे और विस्तार से आपको ज़रूर समझाएंगे वीडियो के ज़रिए। तो अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।